वहाँ पे जो ड्रेन है जो हम कल जहाँ पे गए थे तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लोग भी पूरा कचरा डालते हैं, बट उस ड्रेन का जो है एंडिंग पॉइंट ही नहीं है कहीं पे जहाँ पे जाके, मतलब वो ड्रेन जो है कहाँ से निकलती है, स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट उसका कहीं नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि जब बारिश होती है, अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगा किश्तवाड़ में इतनी बारिशें हुई इन दिनों, बट तो भी जो है घुटनों तक जो है पानी आ जाता है, मतलब लोगों का घर से बाहर निकल, इवन की लोगों की दुकानों के अंदर वो पानी जा रहा है। तो उसी को लेके मैंने कहा थोड़ा सा आप भी क्योंकि डील करते हैं इसको, इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन बताना चाहता हूँ जी। इसमें पहले हमारे ना एक टाउन ड्रेनेज डिवीजन जो होता था, हमारा म्यूनिसिपैलिटी का अपना होता था, जिसमें हम सारे काम जो होते थे म्यूनिसिपैलिटी खुद करवाती थी। उसके बाद 2018 में क्या हुआ कि हमारा जो डिवीजन था, जितना भी काम था वो पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर हो गया। ठीक है। तो उसमें 2018 तक जो भी काम हुआ था ना, ये कोई लगभग 15 करोड़ का काम था हमारा, ये जो आप बता रहे हैं ना कि इसकी कोई आउटलेट नहीं है। जो उस टाइम डीपीआर बनाई थी हमारे डिवीजन ने, वो 15 करोड़ की डीपीआर बनाई थी, उसमें हम 2.5 करोड़ का काम भी हुआ था, बट जब डिवीजन एबॉलिश हो गई हमारी 2018 में तो वो काम बंद हो गया। वो काम बंद होने की वजह से क्या हुआ कि लोगों की लाइबिलिटीज बन गई, कोई 2-2.5 करोड़ की हमारी लाइबिलिटीज बन गई। वो अभी डीसी साहब ने भी उस मैटर को टेकअप किया हुआ है, ये प्रोजेक्ट चलेगा आगे, इसको हम फर्दर जो है इसकी आउटलेट जो है वो बनाएंगे, क्योंकि पूरी डीपीआर इसकी ऑलरेडी बनी हुई है, बट हम जस्ट फंड्स की वजह से रुक रहे हैं, क्योंकि इसमें इतनी कंफ्यूजन हो गई है कि टाउन ड्रेनेज डिवीजन जो था उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रॉपरली ट्रांसफर पीडब्ल्यूडी को नहीं हुए थे, तो इतनी कंफ्यूजन हो चुकी है उसकी वजह से। अभी डीसी साहब ने काफी ज्यादा इसमें इनिशिएटिव लिया, हमने खुद भी एक नया डिवीजन बनाया यूईईडी, हमने अभी वहां से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मंगवाए हैं, जितनी भी टीएस वगैरह थी वो सारी हमें अभी यूईडी डिपार्टमेंट देगा, तो हमने उनको चिट्ठी लिखी हुई है, विद इन आई थिंक दिस वीक और नेक्स्ट वीक हमें जो भी होगा उसका समाधान होगा। तो यूईडी का मैं आपको बोलना भी चाहूंगी, मतलब पहले कुछ महीने पहले वहां से मुझे ये बोलने लगे कि आपके किश्तवाड़ से आते ही नहीं है इसमें कोई, मतलब जैसे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है प्लान्स जो है आते हैं कि हमें यहाँ ये चाहिए या वो, बट यहाँ जो है किश्तवाड़ से हमारे पास कुछ आया ही नहीं, तो आप लोग क्यों नहीं वहां से कोई प्रोजेक्ट भेजते हैं हम लोगों के लिए। तो मेरे को पहले भी मैंने सोचा था मैं आप लोगों से, अब वही थोड़ा सा हम लोग भी बिजी इधर उधर, बट जब उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन किया क्योंकि वहां के एक ऑफिसर है उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा किश्तवाड़ से प्रोजेक्ट ही नहीं आते हमारे पास, बाकी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, बाकी किश्तवाड़ से कभी प्रोजेक्ट नहीं आया। मैं बताना चाहता हूँ ये जो सीवरेज का प्रोजेक्ट है ना, ये आता है अमरुत के अंदर, इसमें पैसे आते हैं अमरुत से। अच्छा। जिसमें सबसे पहले आया पैसा पूरे जम्मू डिवीजन में उधमपुर में आया था, 2 साल वहां पे काम लगा रहा है इनका, कोई 180 करोड़ का काम था। अब नेक्स्ट फेज में वो आया है कठुआ का। अच्छा। हमारा मैम अभी वो फेज में नहीं आया, और मे बी 2025 के बाद ही हमारा ये जो प्रोजेक्ट सीवरेज का वो आएगा जी मैम, तो उसके बाद ही ये जो जितना भी सारी प्रॉब्लम्स है उसका रेजोल्यूशन आई थिंक हो जाएगा मैम, इसलिए मैम हम इसको प्रोजेक्ट को नहीं भेज रहे। बट ये जो हमारा 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर ये हमें सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो इससे जो ड्रेन का कल इशू आप बता रहे हैं वो उसी वजह से हो रहा है मैम, हमारे पास आउटलेट मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या नहीं है क्या उसमें मैम, टीएस यू टेक्निकल सर्टिफिकेट हैंडओवर मैम 2019 में जब ये प्रोजेक्ट म्युनिसिपैलिटी को हैंडओवर हुआ, म्युनिसिपैलिटी ने पीडब्ल्यूडी के हैंडओवर किया था, उसमें अकार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और बाकी जो अलॉटमेंट है उनकी थी वो हुई थी, लेकिन हमें टीएस उसमें नहीं थी। फिर हमने पीडब्ल्यूडी की तरफ से हमने टीएस के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके हमने डायरेक्टर यूएलबीज को भेज दिए फॉर अकार्ड ऑफ टेक्निकल सेंक्शन, जो ही वो आ जाएगी मैम तो ये है प्रोजेक्ट लैंग्विशिंग में, तो इनका पैसा जो ही कॉन्ट्रेक्टर ने काम तब तक बंद रखा हुआ है जब तक ना हमें पेंडिंग वेजेस जो मतलब हमारा, आप जो है वो उसी कॉन्ट्रेक्टर को काम देंगे जिसने आधा वो मतलब दिया हुआ है मैम, जब तक वो बोल रहे हैं मेरी पेमेंट लायबिलिटीज को मैं आगे काम शुरू कर दूंगा। इसमें ना लिटिगेशन भी है, कुछ कॉन्ट्रेक्टर कोर्ट में चले गए, लायबिलिटी है हमारी, बट अब हम कोशिश कर रहे हैं, एक दो अभी एक लेटर आई भी है यूएडी डिपार्टमेंट से टीएस के रिगार्डिंग, उसकी थोड़ी सी हम क्लैरिफिकेशन देंगे उनको। नहीं बताओ क्या है ये, हम लोगों को भी अगर बताया जाए ना हम लोग भी कम से कम बात रख सकते हैं, बट हम तक जो है कभी बताया नहीं गया कि ऐसा मसला चल रहा है। यूईडी के साथ एक बार मैंने बात की भी थी
कि आप लोग अगर हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट हमारा बोला कि आपके वहां से आता। अब क्या है कि म्युनिसिपैलिटी जो है उसका एक अपना अदारा था, चेयरमैन था उसका, मेंबर्स थे, तो हमें कभी लगा नहीं मैम का वो अपना काम करे, क्योंकि किसी के काम में इंटरफेरेंस मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, सबका अपना अपना एरिया रहता है, तो हमने तभी कभी इंटरफेरेंस की नहीं। अब चूंकि अभी खत्म हो गए मतलब म्युनिसिपैलिटीज के जितने भी चेयरमैन वगैरह थे, उसके बाद काफी देर से लोगों का डिमांड था कि आप आए, बट जब मेरे को वहां से यूईडी वालों की तरफ से एक बार ये कहा गया कि आपके वहां से कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, आप भेजे मतलब पैसा बहुत है इनके पास तो ये करेंगे, जब बाकी जो सिर्फ भेज रही है आप क्यों नहीं भेजे, फिर मुझे लगा था मैंका मैं जरा म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन से बात करती हूँ, फिर वही अपने कामों में सारे उलझे रहते हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा रह जाता है, नहीं तो उनको मैंने कहा था। अब मेरे दिमाग में कल इसलिए वो चीज आई क्योंकि मुझे एकदम से वही उनकी बात स्ट्राइक हुई कि आपने कभी बताया नहीं हमें, तो जो भी ये है एक्सेन वगैरह इनके हम भी बात करेंगे कि हमें इतना प्रॉब्लम आ रहा है, आप थोड़ा सा जल्दी करके टीएस दे दीजिए ताकि हमारा काम जल्दी स्टार्ट हो जाए, तो इसमें तो कोई नहीं, इसमें तो सबसे अच्छी बात है हमारे ही किश्तवाड़ के एक जेई जो है ये माजिद जी वो इसी डिपार्टमेंट में, तो उनसे हम हेल्प ले सकते हैं थोड़ी सी कि आप कम से कम थोड़ा जल्दी करवाए। ठेकेदार ने मांगा है कि रिवाइज्ड अब दे दो हमें पैसा, नहीं, तो जो चार साल पहले था कास्ट वो नहीं है, वो तो आप जैसे आप बता रहे हो यूईडी बोल रहे हैं कि हमें, अगर आपका सेक्रेटरी में किसी से बात हो हायर अप से कि यहाँ पे भी सीवरेज का जो कोई प्रोजेक्ट है बिफोर, अगर हम वेट करेंगे 2025 का तो वो थोड़ा, आप बताए ना हम बात करेंगे इसमें क्या है सीवरेज का, मनदीप कौर मैडम है वहाँ, कोई बात नहीं मनदीप मैम के साथ तो हमारा वैसे उन्होंने तो ब्लॉक डेवलपमेंट के बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ पे, तो वही है अगर उनसे तो बात हो सकती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पर परवेज मलिक साहब है, और कोई नहीं जब भी हम जाएंगे हम जरूर इस पे बात, वही है ना हम चाहते हैं कि कम से कम डिपार्टमेंट्स भी कहीं अगर उनको लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे नहीं हो, क्योंकि ऑफिसर का एक गैप रहता है अपने ऑफिसर से बात है, आप बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव हम लोग बात कर सकते हैं, अगर आपकी तरफ से अगर कम से कम आप अगर बताएं कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो फिर हम जो है थोड़ा सा इनिशिएटिव ले सकते हैं, अगर हमें बोला गया तो हम बता सकते हैं कि भाई हाँ कि हम कर सकते हैं, बिल्कुल हम करेंगे हम, इसमें तो कोई नहीं, वही मैं कह रही हूँ मुझे पता नहीं चलेगा, तो मैं मेरा शायद अगर प्लान बनेगा मैं तो मंदीप मैम से जरूर मिलूंगी इस सिलसिले में, और साथ में मैं ये जो यूईडी के एक्शन इंस्टीट्यूट है माजी जी भी वहीं पे उनकी भी हेल्प लेंगे हम लोग, तो क्योंकि मेन जो इश्यू हमारा अभी फिलहाल हम ड्रेन पे ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो जो है ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लोगों को, और बाकी जो छोटे छोटे इश्यू मैंने आपके साथ कल डिस्कस किए वो आप देख लीजिएगा, पूरा एंड नीलगढ़ तक टच हो जाएगा, वहां से तो हमने आ रहे शालीगढ़ टच कर दिया, हमें ये वाला नीलकंठ से यहाँ चौगान से होते नीचे इसका तो डिस्पोजल बना हुआ है, मेन हमें वो लगभग 400 मीटर का स्ट्रेच जो है अनटच्ड है, उससे हमें जो भी अपस्ट्रीम से जो भी फ्लो आता है वो सारा उस ड्रेन में आके काफी रिलीफ मिल जाएगा उस वाली पूरे शहर की प्रॉब्लम। आप एनएचपीसी से भी मैटर टेकअप करो ना, उनका सारा मलबा इधर आता है, उनको बोलो कम से कम वो अपना सीवरेज और ड्रेनेज प्लांट लगाए वहाँ पर, अगर हमारे को फिर से वो अपने में हमारा नहीं आने देते, वहां पे जो कॉलोनी के ऊपर एक मदरसा है तो उन्होंने एक बार बुलाया था मैं गई थी, वो कह रहे हैं कि हमारा जो ड्रेन का पानी है एंड जो किचन का वो निकलता होगा, कहते हैं हमें टच ही नहीं करने देते एनएचपीसी वाले, यहाँ नहीं डालना, तो वो फिर हमारे में क्यों डाल रहे हैं, वो बंद करें ना अपना, फिर मतलब कि अगर हमारे से उनको प्रॉब्लम है तो उनके से भी हमें प्रॉब्लम है, तो वो क्यों डाल रहे हैं फिर हमारे में, वो भी बंद कर दें फिर, वो अपना देखें, वो अपना देखें, उनके पास करोड़ों का है, इतना पैसा है उनके, वो क्यों नहीं बनाएंगे कुछ वैसा सिस्टम, अपना तो बनाएं जो भी है वो अपने में डालें, जब हम हमारे से उन लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है तो अपना करे ना वो वहां से, तो बाकी इसीलिए मैंने एक्सेन तो है नहीं, वो छुट्टी पे ही है, तो ये एक्चुअली कल मेरी भी मीटिंग चल रही थी गूगल मीट, तो मैं अच्छा हाँ मुझे फिर इन्होंने मेरे पास नंबर भी आपका ना सेव नहीं था, तो मैंने सोचा मैंने किसका फोन आ रहा है, नहीं नहीं मैं ही कर रही थी एक्चुअली वहाँ पे, तब लोग थे तो फिर ये पहुँच गए मीटिंग ये आए थे, फिर एक्चुअली वहाँ पे एक पैसेंजर शेड भी बना है बिल्कुल उसके ऑपोजिट में रखा हुआ है, मतलब
पैसेंजर साथ और बाथरूम के सामने जो है वो कंटेनर रखे हैं जिसमें गंध है बिल्कुल वो पूरा है। पैसेंजर साइड बैठने लिए अब पैसा भी और पैसा भी लोगों के बेचारों की जेब है, टैक्सी जाता है खजाने में, इसको मैं करवा तो वो थोड़ा सा अच्छा। जो वॉशरूम्स है उनका क्या है इशू, वो क्यों नहीं फंक्शनल? वो मैम अभी ठेकेदार ने काम बंद किया हुआ है, वो कम्प्लीट उसमें थोड़ा सा पानी टैंकी मतलब जो टैंकी अभी लगा दी हमने सारा उसमें पानी का कनेक्शन देना है तभी हमने बंद रखा हुआ है, उसको हम ऐसे खोल दें नहीं, वो एक ही दिन में खत्म। नहीं इरफान साहब वो जो वहाँ पर पब्लिक स्टैंड था वो किसी ने गार लिया है, उसके लिए वहाँ ऑलरेडी कनेक्शन था पानी का, जो पब्लिक स्टैंड वहाँ पर नल का था ना तो वही है ना, तो किसी ने वो अपने घर ले लिया है वो कनेक्शन, तो आप वो देख लो उसके लिए ऑलरेडी वहाँ पब्लिक स्टैंड है, आप पीएचई वालों से जब बात करोगे वहाँ ऑलरेडी पब्लिक स्टैंड है हर जगह। अगर गली के बाहर भी वो गाना लगा के बोलेगा सारे मोहल्ले वाले अपना गंद जमा करके उसमें डाल सकते हैं, इतना भी वो अच्छा बस स्टैंड वाले भी जो गंद है रात भर जमा करे सुबह उठा के जब डस्टबिन पहुंचे तो डाल दे। इसमें मैम एक प्रॉब्लम हमें ये आती है, हम भी करते हैं, बड़ी है कि जैसे हमारी गाड़ी निकलती है ना उसी टाइम लोग हमारे पास वीडियो से उसी टाइम आके बात नहीं, आप उनके खिलाफ उनको फाइन करो ना, वो थोड़ी जब हमें उसका वही नहीं आप फाइन कर लो, थोड़ा सा वर्क कल्चर बदलने का जरूरत है, अभी लोगों को ये चीजें इतनी पता भी नहीं है, जब आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे इस चीज के लिए लोग भी अवेयर हो, जब किसी को गंद फेंकने पर फाइन होगा तो कुदरती आगे फिर लोग सीसीटीवी लगाए हुए शहर में, हम सोच रहे हैं कि उनमें देखा जाए कि कौन कौन लोग गंद फेंकते हैं तो उसमें हमको चालान क्या है, वैसे कुछ ना कुछ होता है। नहीं डीसी साहब हो रहे थे हम उनके वीडियोस रिलीज करेंगे, इनफैक्ट इनडायरेक्टली हम उनको वो करेंगे, उन्होंने बोला था डीसी साहब ने कि हम इनके वीडियोस रिलीज करेंगे पब्लिक डोमेन में, ये कौन कौन फेंकता है, थोड़ा सा वर्क कल्चर बदलने का है, लोग भी फिर अवेयर रहेंगे, लोगों को अवेयर करने का भी जरूरत है क्योंकि पहले ये चीजें थी नहीं अब ये आ रही है तो थोड़ा लोगों को भी उसमें ढलना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा इनिशिएटिव आप भी लें हम भी लेंगे लोग भी लेंगे तो फिर उसी से जो है स्वच्छता आज से स्वच्छता का पखवाड़ा स्टार्ट हुआ है तो स्वच्छता मतलब अगर ऐसी ऐसी जगहों पे इतना गंद होगा जहां से लोगों का रोज का गुजरना है यात्रा का टाइम है, अगर हम हमारी यात्री मेन रोड से निकल रहे हैं वो बाहर क्या मैसेज लेके जाएंगे कि किश्तवाड़ में कौन सी सफाई है या यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करते, जो सवालिया निशान है वो तो एडमिनिस्ट्रेशन पे लगेगा, तो वो चीजें भी हमें देखनी है कि स्वच्छता जो है हमारे लिए भी उतनी जरूरत है आपके लिए भी उतनी जरूरी है और इसमें लोगों को भी जो है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा तभी जो है किश्तवाड़ जो साफ बन पाएगा, ऐसे अगर सिर्फ फंक्शन ही होते रहेंगे सिर्फ रिबन कटते रहेंगे जी स्वच्छता स्वच्छता और गंदगी आपके डीसी ऑफिस के सामने रहेगी तो फिर वो क्या फायदा वैसी स्वच्छता का, तो थोड़ा सा हमें एनएचपीसी के साथ एग्रीमेंट हुआ था शायद हमने सुने गया है वो आपको कुछ देंगे सप्लाई भी लेबर में, तो उनको क्यों नहीं लगाते आप फिर उनसे, आप लिए हैं आपने कुछ पहले देते कर्मचारी आप तो उनके भी करते हैं उसके लिए उनके भी सफाई करते हैं, जो हमारे डायरेक्शन आती है डीसी ऑफिस है हमें फिर करनी पड़ती है। नहीं एनएचपीसी यहाँ पर ऐसे चल रही है आपने देखा उनकी हालत क्या है उनकी गली में, तो बड़ी बार उनको रिक्वेस्ट भी की है बट अब वो रिक्वेस्ट से नहीं मान रहे, रिक्वेस्ट क्यों करते हैं ये रिक्वेस्ट आगे करनी, एक तो वो लोग बाहर से आके बस गए हैं ठीक है हमारा ही पानी हमारी ही सड़कें वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसकी साफ सफाई देख रहे हैं ना कुछ, तो मतलब इनिशिएटिव किसको करना है, हमें ही करना भाई कि अगर तुम लोग ये हमारी गली इस्तेमाल कर रहे हो इसकी साफ सफाई की जिम्मेवारी किसकी है, अब सरकार थोड़ी एनएचपीसी के लिए अलग से म्युनिसिपैलिटी बनाएगी कि भैया आप लोग जाओ वहाँ पे एनएचपीसी है तो उनकी साफ सफाई, वो भी तो उन्हीं को देखना है। इसमें अभी जो 15 डेज का प्रोग्राम चल रहा है इसमें डी साहब ने उनको भी डायरेक्शंस दी है कि हमारे साथ मिलके जितनी भी ड्रेन है कभी अंदर जाके देखो उनकी हालत क्या है। आप वार्ड नंबर 13 में एक ड्रेन है, आप बोलते हो आपके लोग बोलते हैं ये एनएचपीसी के पास है, एनएचपीसी बोलती है नहीं हमने स्टेट को दिए, उसकी ऐसी बुरी हालत 2 साल से हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जो मकान तो उठ ही गए वहाँ से उन तो भसी ले रहे हैं सारा पानी उनके अंदर जा रहा है, और हमने कराई थी जो सरोड़ी साहब के ऊपर से जाती है नहीं जो एनएचपीसी हॉस्पिटल के साथ निकलती है हॉस्पिटल के साथ में नीचे उतर रही है हाँ बिल्कुल पानी था उनके घर के अंदर वो सारा गंदा पानी वो एनएचपीसी का निकल के उनके घरों में जा रहा था, मैंने वो वीडियो भी चलाया था, जीएम को हम वहाँ लेके भी गए मतलब आंखों से उसने देखा भी पर एक्शन कोई नहीं, तो यही चीजें जब वो लोग नहीं करेंगे
और मतलब हमारा सारा यहाँ बर्बाद करके फिर बैठे आराम से। तो डीसी साहब का भी विजिट कराया था वहाँ, लेकिन निकला नहीं कुछ, रोड पर रिजल्ट कुछ नहीं है। नहीं मन की उनको 5 किलोमीटर के दायरे में जो है डेवलपमेंट कर रही है वो तो वो भी नहीं कर रहे, वो तो अपने गेट के बाहर लुक बिछाने को तैयार नहीं, बोलते हमारे पास है ही नहीं। पीडब्ल्यूडी के पास शायद आपके ही बंदे गए थे वो म्युनिसिपैलिटी से, उन्होंने थोड़ा वो खोद साफ सफाई की, लेकिन उन्होंने कहा हम इसको टेंडर निकालेंगे प्रॉपर तरीके से, इसको सीमेंट में देंगे वो, क्योंकि वो कच्ची ट्रेन है। असम साहब गिलकार का मकान जो ऊपर है और उसके साथ हाँ आदिल और उनके नीचे है, तो उधर से वो नीचे हमने सारा क्लियर, बिल्कुल हमारे वो गुरीनाल के वो शेख साहब हैं, उनका भी मकान खत्म हो गया, एक सेट तो न वो नीचे से वो जो हमारे शब्बीर साहब गुरीनाल है उनके दाम हाँ उनका वो पूरा खत्म हो गया। 12 और 13 है वो, ना 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 ऊपर जो एनएचपीसी हॉस्पिटल के मदर प्राइड स्कूल के साथ जो रोड निकलती जो नीचे वहाँ सीधा गली से ड्रेन निकाली है, पूरी ड्रेन पूरा एनएचपीसी का पानी उधर से आता है, वो बोलते हमने इनको दे दिया स्टेट वाल, मैं देखता हूँ उसमें क्या है। वहाँ गंद भी नहीं उठाने कोई, जबरदस्ती जब वो सजा थे उसने एक दो बार गाड़ी भेजी थी, नहीं तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं है। आप जरा खुद जाके विजिट कर लेना, उनका सारा जो वहाँ से गंदा पानी वो सारा उधर से निकलता है, और पता नहीं बीच में कोई क्या था कि घरों के अंदर से कच्ची ट्रेन उसको सीमेंट करके ना सीधा पानी चला नहीं, और उसमें उसमें मलबा जमा है तो आप चाहो सो रहे तुम्हें दो तीन घंटे उधर बुरा हाल थी, मुझे स्मेल थी उस दिन उनके घर में, पानी इतना इतना था और इतनी बदबू थी, मतलब डीसी को भी हमने विजिट कराया, वो दलदल है वहाँ, एनएचपीसी को भी विजिट कराया, म्युनिसिपैलिटी भी वहाँ पर थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। पूरा मोहल्ला कोई 200 लोग के साथ में उधर, उन्होंने हमें 15 मंदिर के पास से आती है, नहीं नहीं वो नहीं वो दूसरा है, वो दूसरी वाली। आप उस साइड गए नहीं होंगे सर, जो आपने बस स्टैंड के बारे में अभी बोला ना, वो तो जो उसमें तो लॉन्ग टर्म अभी थोड़ा सा सोल्यूशन में थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ जो नाली है ना, हम सिर्फ इतनी वहाँ रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि जो नाली बन चुकी है ऑलरेडी, जो आगे टच देना है उसको थोड़ा टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो नाली वहाँ ऑलरेडी बनी हुई है उसको थोड़ा सा गंदा साफ करके उसमें से वो निकाला जाए, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा खतरा है। सेंट्रल ड्रेन उखाड़नी पड़ेगी, नहीं 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 उखाड़नी नहीं पड़ेगी, उसमें उसमें मलबा बड़ा पड़ा है वो निकालना है। एक काम था, एक छोटा सा काम और था जो मेन हमें वहाँ रेजिडेंट्स को जो दिक्कत आ रही है, वहाँ जो मैंने अभी सर को भी कहा कि वहाँ जो पैसेंजर शेड है ना उसका वो हटना, वहाँ से उसके सामने जो बिल्कुल बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो कर्मचारी वहाँ काम पर आते हैं वो रेगुलर आते हैं, अच्छा काम करते हैं, मगर कुछ चीजों में शायद उनके अपने हाथ में नहीं है जो आप ही लोग उसमें चेंज कर सकते हैं। इसमें ये दोनों चीजें इंश्योर करता हूं, ये डस्टबिन वहाँ से हटाया जाए क्योंकि वो बस स्टैंड है सर, तो वॉशरूम भी फंक्शनल है, वॉशरूम को आगे आउटलेट नहीं है, ऊपर बनाया है ना उसमें पानी का सिस्टम है अभी, और ना उसमें नीचे ड्रेनेज सिस्टम, वो सारी जो भी गंद है बदबू वगैरह कनेक्शन अभी नहीं दिया है, वो बाहर अच्छी तरह ड्रेन के साथ ट्रांसफार्मर के साइड निकाल दिया, मगर वो यूरिनल है ना उसको उन्होंने आगे दिया नहीं, वो सीधा वहाँ वाला बस थोड़ा सा उतना ज्यादा नहीं है, आपके जो काम करने वाले बंदे हैं बहुत कोई काम करते हैं, हम इसमें ये दोनों चीजें कल ये थोड़ा सा ठीक है सर, दोनों कल सुबह पूरी टीम वहाँ पे लगाओ वाली रोड से टच होता ना ऊपर जहाँ तक वो डिस्प्यूट है, आप चल के आए थे वहाँ, वहाँ तक हमने उसमें रखा है सारा डिस्ट्रिक्ट कोलार में, सर उसका हमने नबार्ड में प्रोजेक्ट दिया है, जो ये अप्रूव आएगा तो फिर उसमें जो बिल्डअप एरिया है वो उठवाना है, तो रोड बन जाएगा शायद 100-150 मीटर ही रह गया अब शायद, थोड़ा सा 300 मीटर, वो एक्चुअली लोगों ने वहाँ पे दे नहीं रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लोगों का वहाँ पे नहीं किया, जगह लैंड डिस्प्यूट की वजह से जो भी बॉटल नेक है वो लैंड है, ये तो